Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, third property of a parallelogram. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Second, we have seen that if a parallelogram is तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एक क्वाड्रिलेटरल की, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ है, लेट साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी इक्वल एंड आल्सो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ड्रॉ डायगोनल ए सी। हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर के अंदर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी पैरेललोग्राम हमें नहीं गिवन, और AB और CD इक्वल हैं, BC और AD भी इक्वल हैं, और AC इसका डायगनल, ठीक है? So clearly ABC और CDA ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो congruent हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में congruent हैं, कैसे? क्योंकि AC कॉमन है दोनों में, AB DC के इक्वल है, और AD BC के इक्वल है, तो SSS congruence की वजह से ये दोनों congruent हो गए, ठीक है? So ultimately angle BAC और angle DCA ये भी equal हो गए, BAC and angle DCA ये भी equal हो गए, और उसके साथ ही angle BCA और angle DAC ये भी equal हो गए by CPCT, both by CPCT, ठीक है? So इससे क्या prove हुआ? ABCD एक parallelogram है, क्यों? क्योंकि दो alternate pairs के, जो alternate angle के pairs अगर equal हैं, तो उनसे बनने वाली जो sides हैं, उनको बनाने वाली जो sides हैं, वो भी parallel होंगे। So ABCD prove हो गया, एक parallelogram है। Now you have just seen that in a parallelogram, each pair of opposite sides is equal. हर parallelogram में, जो दो pair of opposite sides हैं, वो equal होते हैं। और अगर दो pair of opposite sides equal हों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो एक पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है? अब अगर आप कोई भी एक पैरेललोग्राम बनाओगे और उसके एंगल्स को मेजर करोगे, तो उससे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि हर एक ऑपोजिट एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल होगा एक पैरेललोग्राम का। सो इससे एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं हम, थ्योरम 4, कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ अगर यही एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो ए के ऑपोजिट एंगल है सी, ये आपस में इक्वल होंगे, डी के ऑपोजिट एंगल है बी, और ये भी आपस में इक्वल होंगे। सो एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।